नशीले पदार्थों के खतरे को खत्म करने के लिए किश्तवाड़ पुलिस ने ड्रग पेडलर्स के खिलाफ सक्रिय रूप से कार्रवाई की है। आज दो कुख्यात ड्रग पेडलरों को किश्तवाड़ पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से नशीले पदार्थ भी मिले हैं। किश्तवाड़ एसएसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि आरोपियों के पास से 1416 नशीले कैप्सूल और टैबलेट बरामद हुए हैं और फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सबसे प्रायोरिटी नंबर वन सबकी, जो लोग आए मिलने, कि एंटी ड्रग्स काम होना चाहिए, क्योंकि ये हर घर में प्रॉब्लम है, हर फैमिली इफेक्टेड हो रही है और उसमें प्रोन है। तो उसके चलते हमने टीम्स बनाई हैं, वी आर इंश्योरिंग के एक्शन हो इनके खिलाफ। तो इसी कड़ी में हमने दो लोग कल इवनिंग में अरेस्ट किए, उनमें एक है मिस्टर मुश्ताक अहमद सन ऑफ गुलाम अली रेजिडेंट ऑफ नवापाची मड़वा, और दूसरा है गौहर नबी सन ऑफ गुलाम नबी वाजा रेजिडेंट ऑफ वसरकुंड किश्तवाड़। तो इनके खिलाफ FIR लगाई है और चेकिंग के दौरान इनसे कैप्सूल्स मिले हैं और टैबलेट्स मिली हैं। ये जो सिंथेटिक सब्सटेंसेस हैं ड्रग्स की शेप में, ये इन्होंने कंसाइनमेंट जहाँ से लाई है वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अलग से सामने आ चुका हमारे पास। बट ये लोग यहाँ काफ़ी अरसे से डिफरेंट जगहों पर सेल करते हैं, तो पेडलर को पकड़ना, कंज्यूमर तो इफेक्टेड पार्टी, लेकिन पेडलर को पकड़ना हमारी प्रायोरिटी है, वी हैव आइडेंटिफाइड। तो अभी हम इनके खिलाफ एक FIR नंबर 14 तो किश्तवाड़ थाने में लगाई है,